अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर मोबाइल नंबर लिखा है उसके आगे 91 कैसे ऐड करें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक्सेल की एक फॉर्मेट तैयार है जिसके अंदर आईडी नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इनका। मोबाइल नंबर के आगे 91 लगाना है, प्लस 91 लगाना है। तो अगर आपके पास दो तीन है तो वो आप ऐसे ही टाइप करके लगा लोगे। अगर आपके पास पूरा का पूरा लिस्ट ही है, 150, 200 या 1000 ऐसे ही लिस्ट ही है और उसके अंदर आप लगाओगे तो आपका वक्त ज़्यादा ख़राब होगा। तो आप इसका एक फार्मूला यूज कर सकते हो जिसकी मदद से आप इनको फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये शीट को बना लेना होगा। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस चीज़ को बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लीजिए, इस तरीके से देख देख के इतना दूर आप लोग बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना है और यहाँ टाइप करना है इक्वल। इक्वल टाइप करने के बाद आपको यहाँ डबल कोमा डालना है, डबल कोमा डालने के बाद स्पेस देना है और फिर यहाँ लिखना है प्लस 91। जो भी एंट्री कोड होगा वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ डबल कोमा डालना है, फिर से डबल कोमा डालने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे एंड लिख देना है, ठीक है। एंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है जो भी होगा आपका मोबाइल नंबर जिसके आगे आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ देखिए ये आपका ऐड होके आ गया। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल। इक्वल टाइप करने के बाद डबल कोमा, डबल कोमा टाइप करने के बाद आपको यहाँ देना है स्पेस। स्पेस देने के बाद यहाँ पे प्लस 91, उसके बाद आपको फिर से स्पेस देना है और फिर से डबल कोमा डालना है। डबल कोमा डालने के बाद यहाँ पे आपको एंड डालना है, एंड डाल देना है, यहाँ पे एंड डाल दीजिए। एंड डालने के बाद आपको क्या करना है, एंड इस तरीके से डालिएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका नंबर होगा, सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए। देखिए ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देना है यहाँ से, यहाँ तक इस तरीके से खींच के ये पूरा का पूरा हो जाएगा ऐड। तो इस तरीके से आप लोग, अगर आपके पास लिस्ट है काफ़ी सारा तो उसमें आप इस तरीके से 91 ऐड कर सकते हैं, कम समय में आप अपना काम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नवा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।